Hey guys, welcome back to my channel once again in Secret Logic और मैं हूँ अनुपमा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ कॉस्मेटिक रिव्यू। तो कौन सा कॉस्मेटिक रिव्यू, ये तो आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। कलरेसेंस कॉम्पैक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, साथ ही साथ मैं इसका कंपेयर करूंगी लैक्मी 9 to 5 मैटे कॉम्प्लेक्शन कॉम्पैक्ट से। तो ये वन ऑफ माय फेवरेट कॉम्पैक्ट है फॉर डेली पर्पस, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, बिल्कुल भी मैट फिनिश देता है, बिल्कुल ऐसा लगता नहीं कि आपने अलग से कुछ यू नो कॉम्पैक्ट वगैरह अप्लाई किया हुआ है। कलरेसेंस की बात करूं तो ये मुझे लगता है कि, क्योंकि मैंने इसका रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे शेयर किया हुआ है, लेकिन मैं फिर से एक बार शेयर कर देती हूँ क्योंकि वो बहुत पुरानी वीडियो थी। आई डोंट थिंक सो कि आपको याद भी होगा कि नहीं। तो चलिए फटाफट से मैं इसके बारे में बता देती हूँ। ये थोड़ा सा पार्टीवियर टाइप का है क्योंकि ये फेस पे एक ग्लो देता है। इसका नाम भी है जैसे कि कलरेसेंस गोल्ड एंड शेड इसका नेचुरल है। 10 ग्राम का प्रोडक्ट है, प्राइस अकॉर्डिंग इज 450। और इसकी मैं बात करूं तो 450 इसकी भी प्राइस है। लैक्मी 9 to 5 फ्लॉलेस मैटे कॉम्प्लेक्शन कॉम्पैक्ट मेलन मैटे इसका शेड है। तो मैं पहले इसको एज अ, मतलब मुझे लगता था कि मैं इसको डेली, तो मैं इसको पहले हमेशा डेली यूज करती थी। और इसको जब मैंने परचेज किया तो मुझे लगा ये गोल्ड शेड है तो कम सम टाइम मैं इसको यूज कर सकती हूँ पार्टी वेयर या मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तब। लेकिन दोनों का फिनिश बिल्कुल सिमिलर ही है, दोनों ही काफी इफेक्टिव है। दोनों में कंपैरिजन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। प्राइस अकॉर्डिंग भी दोनों सिमिलर हैं, पैकेजिंग भी दोनों की काफी अच्छी है। हाँ, इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी आप कह सकते हो लग्जूरियस है क्योंकि इस तरीके की है और साथ ही साथ एक स्पॉन्ज मिला है जो उसके नीचे इस तरीके से है, तो आप स्पॉन्ज से लगा सकते हैं ब्रश से। तो मैंने फेस पे अपना बेस लगाया हुआ है, बेस इट मीन्स कि मैंने बीबी क्रीम अप्लाई की हुई है। तो चलिए अब मैं दोनों कॉम्पैक्ट को एक एक साइड अप्लाई करके दिखाती हूँ आप लोगों को कौन सा ज्यादा अच्छा। यू नो ओपन करते हो स्पंज भी मिलता है और मिरर भी है इसमें भी, तो काफी सिमिलर हैं दोनों। लेकिन हाँ, इसमें दो शेड दे दिए इसलिए, बट मुझे इसकी भी पैकेजिंग काफी अच्छी लगती है। तो अब मैं एक साइड इसको अप्लाई कर लेती हूँ, मैं इधर लैक्मी अप्लाई करती हूँ। You can see the difference this side and this side, and now अब मैं Colouressence जो है वो इस side apply करती हूँ। Nose पे भी मैंने इसको ही apply कर लिया है। Now you can see the difference from both sides. तो काफी सिमिलर है ये, बिल्कुल भी मुझे यू नो दोनों एक ही जैसा दिखता है, तो दोनों में कंपेरिजन करना आई डोंट थिंक सो कि इट, मतलब हाँ, आप दोनों में से आप जो चाहें, जिस ब्रांड पे आपको ज्यादा बिलीव है उस प्रोडक्ट, आप जिस ब्रांड को ज्यादा बिलीव करते हैं उस ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही काफी सिमिलर है। और दोनों का इफेक्ट भी आपको मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिए काफी सिमिलर है दोनों का इफेक्ट भी, तो दोनों ही वर्थ इट है और दोनों ही सेम प्राइस में है। तो गाइज ये था मेरा रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट, और दोनों ही काफी इफेक्टिव है, दोनों ही फ्लॉलेस लुक देते हैं। साथ ही साथ मैं इसको डेली बेसिस पे यूज कर सकती हूँ, बिल्कुल भी अलग से पता नहीं चल रहा है कि मैंने कुछ कॉम्पैक्ट वगैरह अप्लाई किया है, क्योंकि मैंने आपको पास से क्लोजअप दिखाया है। देखिए तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि मैंने मतलब अलग से यूज किया है कोई कॉम्पैक्ट वगैरह, सो दोनों ही वर्थ इट है। सो गाइस ये था मेरा वीडियो आज का, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।